हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी का आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। और आज हो रही है बारिश, तो बहुत ही मौसम अच्छा हो रखा है। एकदम झमाझम वाला बारिश हो रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बारिश बैक कैमरे से, पहले फ्रंट से दिखाते हैं। ठीक है, देखिए खिड़की पे कैसे पानी। तो देख सकते हैं मौसम इतना सुहाना हो रखा है। आवाज भी आ रहा होगा आपको, चलिए बैक कैमरे से। ये देखिए बारिश हो रही है। वैसे खिड़की में नेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्लीन नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है, पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। देख लिए कितना खूबसूरत व्यू है। एक्चुअली छत पे जाते तो और अच्छे से आपको दिखाते, लेकिन छत पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए हवा भी तेज़ चल रहा है। दो तीन दिन से तो इतना ज़्यादा गर्मी कि लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे। हम सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। आप लोग बताना आप लोग के साइड मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या नहीं। मेरे साइड तो बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, मतलब बारिश होना शुरू हुआ है, 5-10 मिनट से हो रहा है बारिश। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर ले। और क्या, आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। तो मैं इधर ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग रक्षाबंधन पे अपलोड हुआ था, वही ब्लॉग मैं डाली हुई हूँ। ऐसे शॉर्ट्स वीडियो मैं बनाती हूँ। तो अब बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे तीज आ रहे हैं। दो तीज हो चुका है, एक तीज हुआ है हरियाली तीज और एक कजरी तीज, जो हो चुका है। तो वो तीज हम लोग नहीं करते हैं, मेरे साइड पे हरितालिका तीज होता है, तो वो तीज होगा। तो उसका ब्लॉग ज़रूर आएगा आप लोग के पास, आप लोग ज़रूर देखना वो वाला ब्लॉग। और मेरी बेटी का बर्थडे भी है, तो उसका भी ब्लॉग आएगा। बहुत बहुत मज़ेदार वाला ब्लॉग लाएंगे। मैं तो कोशिश करती हूँ कि आप लोग को एंटरटेन करूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ पे मैं चुक जाती हूँ। पता नहीं आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है या नहीं। आप लोग तो बोलते भी नहीं हो, आप बताओगे तभी तो मेरे अंदर से हौसला होगा वीडियो मैं बनाऊँगी आप लोग के पास, मैं वीडियो बना कर डालूँगी। तो मेरी बेटी सोई हुई है, सो के अभी उठी है। अभी टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट टाइम हो रहा है, 5:15 हो रहा है। बारिश हो रही है तो मौसम थोड़ा अंधेरा जैसा लग रहा है, लगता है पूरा रात इसी तरह से रहेगा मौसम। तो मेरे वीडियो में आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। मेरा मन किया आज आप लोग से बात करने का, तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोग से बात करूँ। मैं आ चुकी हूँ छत पे, तो आप देख सकते हो कितना सुहाना मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 10 दिन पहले मेरे हस्बैंड रोज का कटिंग किए थे, क्योंकि अभी कटिंग करने का मौसम समय है। तो यहाँ पे कटिंग हो चुका है, और इसमें देखिए छोटा छोटा रोज बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये देखिए पूरा छत पे तरह तरह का फ्लावर प्लांट लगाए हुए हैं, और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है। चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि नेट से उतना अच्छा से नहीं दिख रहा था, अब आपको दिख रहा होगा। तो मेरा गांव कुछ इस तरह का है, बहुत ही सुहाना है, देख सकते हैं पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जिधर देखिए उधर ग्रीन ही आपको नज़र आएगा। बहुत बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे, और एकदम फ्रेश हवा, मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर है, तो देख सकते हैं पौधा, बारिश हुआ है तो सारे पौधा में जान आ गया है। तो आज मेरा बहुत बहुत मन कर रहा था कि मैं आप लोग को दिखाऊं मौसम। तो देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत कम हुआ, जिस समय हो रहा था उसमें लग रहा था कि बहुत तेज़ होगा बारिश, लेकिन नहीं हुआ, मात्र आधा घंटा
हुआ होगा ढंग से, नहीं तो इतना हुआ है कि ज़मीन पूरा भींग गया है और खेत में थोड़ा थोड़ा पानी लग चुका है। और देखिए ऐसे तो अलर्ट किया हुआ है कि बारिश होगा, आज जन्माष्टमी है तो कितना अच्छा शुभ शुभ अवसर पे बारिश हो गया। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत प्यारा है ना। आप बताइए आप लोग का गांव कैसा है। एक्चुअली ये गांव नहीं है, है तो शहर भी, लेकिन अभी इधर आबादी बहुत कम है जिसकी वजह से इधर पूरा खाली खाली है, तो अच्छा लग रहा है। देख सकते हो वहाँ उस साइड स्कूल है, और वो भी ऑरेंज वाला जो दिख रहा है वो भी स्कूल है। तो इधर तो देख सकते हैं नीचे केला लगा हुआ है, और भिंडी, बैंगन, करेला, पपीता, सीम, बहुत सारे पेड़ पौधा लगाए हैं। आम का भी पेड़ लगा हुआ है। तो मैं आ गई हूँ छत पे, सोच रही थी बारिश ख़त्म हो गया तो छत पे जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बहुत दिन के बाद ऐसा हवा मिला है क्योंकि इतना गर्मी हवा ही नहीं चल रहा था बिल्कुल भी नहीं, तो आज अच्छा लग रहा है। तो आई को मतलब दूध बॉर्नविटा पिलाए, उसके बाद मैं बोले थोड़ा पकड़िए हम आते हैं ऊपर से, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग का गांव ऐसा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा, आप लोग की तरफ ऐसा हरियाली, बहुत सारे लोग होंगे हरियाली, क्योंकि जो गांव से होंगे उनको तो हरियाली पूरा देखने को मिलता होगा बिल्कुल मेरे जैसे। जो शहर से होते हैं उनको थोड़ा सा इतना नहीं मिलता है, मतलब जो छत पे लगाते हैं थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं। तो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।